साथियों, जैसा कि हमने आपको भी बताया कि आज हमारे बीच में बहुजन व्यापारी मंडल की टीम मौजूद है और बहुजन व्यापारी मंडल से हमारे बीच में माननीय रघुनाथ सिंह जी, रिटायर्ड इंजीनियर, जो बहुजन व्यापारी मंडल के मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि बहुजन प्रोडक्ट एवं बहुजन व्यापारी मंडल बहुत जल्द भारत के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म इंडस्ट्री एवं बैंक प्रणाली पर कार्यरत करने के लिए बाध्य होगी और इसके लिए राष्ट्रव्यापी संघर्ष भी करेगी, तो इसमें सर आपका क्या कहना है? सभी को जय भीम। मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में और फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सभी क्षेत्रों में बहुजन लोगों की बहुत कम भागीदारी है। हम बहुजन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों में बहुजन प्रोडक्ट इन सभी क्षेत्रों में मिलकर के कार्य करेगा और इन क्षेत्रों में अपनी बहुजन समाज की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम शिक्षाविदों को और ऐसे समाज के लोगों को हम साथ लेकर के कार्य करेंगे जिससे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हो सकें और अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसी तरीके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स जो हमारे समाज में हैं उनका साथ लेकर के, अच्छे अच्छे साइंटिस्टों का साथ लेकर के हम ऐसे स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करेंगे ताकि हमारे समाज के लिए एक सस्ते से सस्ता इलाज जो हमारे समाज अफोर्ड कर सके उनको ऐसा इलाज मुहैया कराएंगे ताकि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं जो कि आज के समय में बहुत ही महंगी महंगी इलाज हो रहा है, हमारे समाज के लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे हॉस्पिटल स्थापित करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे समाज के लोग अच्छे स्वास्थ्य की जो है फायदा उठा सकें। इसी तरीके से बैंकिंग के क्षेत्र में हमारे समाज के लोग, बहुत से लोग ऐसे बैंकों में पैसा डाल देते हैं ताकि जो कि बैंक डूब जाते हैं या फिर मतलब पैसा लेकर के भाग जाते हैं। हम लोगों के पास में हमारे समाज का अपना बैंक होना चाहिए ताकि हमारे समाज का जो पैसा है वो हमारे समाज में ही काम आए और उस पैसे को हमारे समाज के लोग अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके अपने समाज को एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजन इंडियन आइडल जो बहुजन प्रोडक्ट के सौजन्य से किया जा रहा है उस क्षेत्र में नवयुवक और नवयुवतियाँ अपना टैलेंट इस मंच के थ्रू दिखाएंगे और अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक और फिल्म इंडस्ट्री में हमारे लोग अच्छे से अच्छा अपना टैलेंट दिखाएंगे और एक अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद। साथियों, 22 मार्च 2020 को बहुजन व्यापारी मंडल की जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक है वो लखनऊ में होनी थी लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया था और हम ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का बहुजन व्यापारी मंडल का ये हम बाद में करेंगे। और साथियों, जो लोग बहुजन प्रोडक्ट को उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं, बहुजन प्रोडक्ट का साथ दे रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग बहुजन प्रोडक्ट का मान सम्मान कर रहे हैं जिसकी वजह से आज बहुजन प्रोडक्ट लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। तो साथियों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया, बहुजन प्रोडक्ट की जो टीम है उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि व्यापार के साथ साथ जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी बहुजन समाज का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, बैंकिंग सेक्टर है और फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र है और जो बाकी अन्य क्षेत्र हैं। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग बनाया
कि हम लोग भारत में जितने भी जिले हैं बहुजन प्रोडक्ट को उन सारे जिलों में हम लोगों को पहुंचाना है, और बहुजन प्रोडक्ट को उन सारे जिलों में पहुंचाने के बाद हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि हम लोगों का बहुजन विद्यालय, बहुजन स्कूल और बहुजन कॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर शिक्षा से जो संबंधित लोग हैं उन लोगों की यूनिट बनाएंगे और उन लोगों का साथ सहयोग लेंगे, और हम लोग हर जिले में विद्यालय और महाविद्यालय बनाने का काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा में भी हमारे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा कदम उठाना बहुत जरूरी है। साथियों, दूसरा चीज़ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामले में आजकल की जो हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा पैसा लेते हैं कि हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग वहाँ पर इलाज करवा सकें, इसलिए बहुजन प्रोडक्ट की टीम ने ये निर्णय लिया है कि हर जिले में हम लोगों का हॉस्पिटल भी होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम लोग बहुजन समाज के लोगों का इलाज करेंगे, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की वो हम लोगों से इलाज करा सकें। तो बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों का अपना स्वास्थ्य क्षेत्र में हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, तीसरा जो सबसे गंभीर मामला है कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, एक तो वो गरीब लोग हैं, और जो वो थोड़े बहुत पैसा कमाते भी हैं तो कुछ बेईमान बैंक हैं जो उन लोगों का पैसा जमा कराकर और बाद में भाग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि बहुजन समाज के लोगों को बैंकिंग सेक्टर में भी आना चाहिए। तो इसलिए हमने ये प्लानिंग बनाई है कि हम बहुजन बैंक का भी निर्माण करेंगे, ताकि अपने लोगों को पैसे को हम लोग अपने निगरानी और में रख सकें और सुरक्षित रख सकें। जो चौथा पॉइंट है फिल्म इंडस्ट्री का, तो अभी बहुजन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे भारत में बहुजन आइडल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और अभी उसका ऑनलाइन ऑडिशन भी चल रहा है। तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है कि एक फिल्म इंडस्ट्री भी हम लोगों को बनाना है, और उस पर हम काम कर रहे हैं, आने वाले समय में उसमें फिल्म भी बनेगा। तो जो कला से संबंधित बहुजन समाज के लोग हैं उन सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और ये एक रोजगार का भी माध्यम बनेगा आने वाले समय में, चूँकि हमारे दर्शक ज़्यादा हैं, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे लोग उस फिल्मों को देखेंगे, तो इससे एक रोजगार भी डेवलप होगा। तो साथियों, ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है और फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र है, इन सारी चीज़ों पर हम वर्क कर रहे हैं, काम चालू है हमारा, और बहुजन प्रोडक्ट को भी हमें लगभग भारत के सारे जिलों में पहुँचाना है, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो इसमें आप लोगों की साथ और सहयोग की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, और बहुजन प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद एक बार पुनः देना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये जो सारा काम हम लोग करेंगे, हम लोग किसी से भी चंदा नहीं लेंगे, हम किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई चंदा नहीं लेंगे। चंदा लेकर हम लोग हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज या बैंकिंग का क्षेत्र या फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र, हम लोग किसी से भी चंदा लेने का काम नहीं करेंगे। बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमारा मनोबल इसी तरह से बढ़ाते रहिए। आप लोगों ने हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, हम लोगों को इतना प्यार और मान सम्मान दिया, जिसकी वजह से आज बहुजन प्रोडक्ट तरक्की कर रहा है, और बहुजन समाज के हित में काम करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत है। इसलिए साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, आज हमारे बीच में बहुजन व्यापारी मंडल की टीम मौजूद है, और सबसे पहले हम आप सभी का बहुजन व्यापारी मंडल के लोगों से परिचय कराते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, मेरा नाम गोपाल गौतम बोधाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव समीक्षा बहुजन व्यापारी मंडल। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, मेरा नाम गोपाल साब्दी, संस्थापक बहुजन प्रोडक्ट एवं बहुजन व्यापारी मंडल। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।
मेरा नाम रघुनाथ है और मैं मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक बहुजन व्यापार मंडल। साथियों जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों मेरा नाम रघुनाथ है और मैं मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक बहुजन व्यापारी मंडल। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों मेरा नाम राजन मूल निवासी, राष्ट्रीय महासचिव व्यवस्था बहुजन व्यापारी मंडल। साथियों बहुजन व्यापारी मंडल की टीम से आज हमारे बीच में मिस्टर गोपाल गौतम बोधाचार्य जी बैठे हुए हैं, जो बहुजन व्यापारी मंडल के राष्ट्रीय महासचिव समीक्षा भी हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। देखिए साथियों, जैसे कि आप अब तक बहुजन प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ और सहयोग और प्यार दे रहे हैं, हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि बहुजन प्रोडक्ट अपनाएं और देश में भाईचारा बनाएं। तो जैसा कि सर आपने बताया कि बहुजन व्यापारी मंडल और बहुजन प्रोडक्ट साथ में मिलकर के पूरे भारत के अंदर हर क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है और बड़े पैमाने पर काम किया भी जाएगा, तो जो लोग आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं बहुजन प्रोडक्ट से या बहुजन व्यापारी मंडल से, तो वो आप लोगों से किस प्रकार जुड़े हैं? देखिए बहुजन व्यापार मंडल और बहुजन प्रोडक्ट के लिए जो भी हमारे समाज के लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं मोबाइल नंबर आपको देता हूँ। मोबाइल नंबर है 8477842116। मैं मोबाइल नंबर फिर रिपीट करता हूँ, इस पर संपर्क कर सकते हैं 8477842116। थैंक यू। अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके अपने समाज को एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजन इंडियन आइडल जो बहुजन प्रोडक्ट के सौजन्य से किया जा रहा है, उस क्षेत्र में नवयुवक और नवयुवतियाँ अपना टैलेंट इस मंच के थ्रू दिखाएंगे और अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक और फिल्म इंडस्ट्री में हमारे लोग अच्छे से अच्छा अपना टैलेंट दिखाएंगे और एक अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद। साथियों बहुजन व्यापारी मंडल से हमारे बीच में मिस्टर राजन मूल निवासी, जो बहुजन व्यापारी मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व्यवस्था भी हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि इस विषय में उनका क्या कहना है। साथियों सभी बहुजन मूल निवासियों से मेरा आग्रह है कि वो बहुजन प्रोडक्ट को अधिक से अधिक अपनाने का संकल्प लें और घर घर तक पहुंचाएं। और आज जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनको पूरा करने के लिए आप अधिक से अधिक सहयोग करें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।